बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जरीश है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आफाक सन सीरीज़ दूसरी जमात उर्दू। आज हम सबक नंबर 10 हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायने, सबसे पहला लफ्ज़ है मालदार। मालदार अमीर, मालदार अमीर, मालदार अमीर। करे मुश्किल, करे मुश्किल, करे मुश्किल। गर्स वजह, गर्स वजह, गर्स वजह। शर्फ बढ़तरी, शर्फ बढ़तरी, शर्फ बढ़तरी। इस तरह आपने इन अल्फाज के मायने 3 दफ़ा पढ़ने हैं। अभी हम एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं। मालदार अमीर, करे मुश्किल, गर्स वजह, शर्फ बढ़तरी। अब हम करेंगे सवाल जवाब। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, दर्ज ज़ैल सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान कौन से मुल्क ले कर गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान मुल्क शाम ले कर गए। जवाब को हम 3 दफ़ा पढ़ेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान मुल्क शाम ले कर गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान मुल्क शाम ले कर गए। सवाल नंबर 2 है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम का नाम क्या था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम का नाम मेसरा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग़ुलाम का नाम मेसरा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह के ग़ुलाम का नाम मेसरा था। सवाल नंबर 4 है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को लोग क्या कहा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को लोग ताहिरा कहा करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को लोग ताहिरा कहा करते थे। सवाल नंबर 4 है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियों से मुतासिर हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत और तजारत में होने वाले फ़ायदे से मुतासिर हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत और तजारत में होने वाले फ़ायदे से मुतासिर हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत और तजारत में होने वाले फ़ायदे से मुतासिर हुई। उम्मुल मोमिनीन का क्या मतलब है। उम्मुल मोमिनीन का मतलब है मुसलमानों की माँ। उम्मुल मोमिनीन का मतलब है मुसलमानों की माँ। उम्मुल मोमिनीन का मतलब है मुसलमानों की माँ। ये हमारे सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक थे। आज हमारे अल्फाज मायने और सवालात के जवाब हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसका बुकवा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।